D6 में हमारी सीट है। हेलो यूट्यूब फैमिली, BC लाइव ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। स्वागत रहेगा। आज हमारी यात्रा हो रही है गया से पटना सफ़र कर रहे हैं। हमारी यात्रा आज कैसा क्या रहेगा आप लोग वीडियो में पूरा देखिए। हमारी गाड़ी का आती है रांची से पटना होकर जाएगी और उसके टाइमिंग बता देते हैं। गया में 8:15 में गया आएगी, उसके बाद यहाँ से 8:35 में खुलेगी, उसके बाद पटना पहुँचाती है वही 10:20 में। देखिए साथ में वंदे भारत भी चलेगी। देखिए पहले जनशताब्दी पहुँचाएगी कि वंदे भारत। हमारी यात्रा कैसा क्या रहेगा आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। हमारी गाड़ी अभी लेट है 15 मिनट, उसके बाद आपको दिखाते हैं गाड़ी, बैक साइड कैमरा करके दिखाते हैं आपको हमारी गाड़ी आएगी तब। वीडियो आप लोग इन्जॉय करिए। हमारी गाड़ी आ गई है गया जंक्शन पर। यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉपेज है, ज़्यादा नहीं 20 मिनट का स्टॉपेज है हमारी गाड़ी। उसके बाद डिपार्चर होगी, उसके बाद वीडियो आप लोग के दिखाते हैं, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। 20 मिनट के बाद आपको बैक साइड आगे पीछे कैमरा दिखाते हैं। D6 में हमारी सीट है, इसी के अंदर सीट है D6 में। आप लोग देखिए कैमरा दिखा रहे हैं आगे पीछे कैमरा। प्लेटफार्म नंबर 6 पे लगाया गया है गाड़ी, जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉपेज हमारी गाड़ी, डिपार्चर होगी उसके बाद वीडियो आपको दिखाएंगे। हमारी गाड़ी डिपार्चर होगी गया जंक्शन से, अब सीधे मिलेंगे आपको कहाँ, जहानाबाद जंक्शन में। आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, आप लोग देखिए हमारी जर्नी कैसा क्या रहता है, सिर्फ पटना तो सफ़र करेंगे ज़्यादा नहीं। आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। पहले बंदे भारत के निकालेगा इसको, देखिएगा लगा देगा, इसको लगाएगा कहीं पर 10 मिनट पहले बंदे भारत जाती है आगे आगे है। हेलो, वो मतलब इसको जो है मतलब रोक देता है कहीं पर कुनकुन उनको या पल्सर रोकेगा, पहले निकालता बंदे भारत। प्रणाम। Thank you.
47 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँची कहाँ, जहानाबाद जंक्शन। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज ज़्यादा नहीं है। आपको आगे पीछे खाने पीने का स्टॉल वगैरह दिखा देते हैं। आप लोग पीछे बैक साइड आपको कैमरा कर रहा है, पूरा वीडियो देखें। बासठ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँची कहाँ, तारिंगना जंक्शन, इसको बोला जाता है मसौढ़ी जंक्शन। हमारी यात्रा यहाँ से सीधे पटना मिलेंगे, पटना जंक्शन में। आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। यहाँ पर स्टॉपेज गया से गाड़ी खोली है, सिर्फ गया के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के फिर तारिंगना, तारिंगना के बाद सीधे पटना, इसका स्टॉपेज है। अब सीधे मिलेंगे आपको पटना जंक्शन में। वीडियो आप लोग एंजॉय करिए। काफ़ी सफ़र करने के बाद हमारी ट्रेन पहुँची कहाँ, पटना जंक्शन। 92 किलोमीटर दूरी तय की है, उसके बाद हमारी ट्रेन पहुँची पटना जंक्शन। हमारी यात्रा यहीं तक ख़त्म होती है। अब सीधे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको चलिए पटना जंक्शन बाहर का सीन दिखाते हैं आपको कैसा क्या। आज हमारी यात्रा यहाँ पर ख़त्म होती है पटना जंक्शन में। अब सीधे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। पटना से जयनगर सफ़र करने वाले हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें प्लीज़। आज हमारी यात्रा यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।